हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि आपका पेपर वन है यूजीसी नेट और जेआरएफ का। हमारे लेक्चर्स यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे हैं, 8 बजे से 9 बजे तक का आपका ये लेक्चर होता है और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखने के लिए मिलती है और बहुत ही शॉर्ट में आपको सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा कॉपी पेस्ट चल रहा है या फिर मैं आपको पूरा उसमें लेंथी उसमें समझा रही हूँ, नहीं, आपका बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट आपको चीजें सीखने के लिए मिल रही है, जिससे कि आपका पेपर वन का जो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो रहा है। अगर आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अध्ययन अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन ही हो पाता है कि यहाँ पर मैं मतलब सिर्फ मैं ही आगे पढ़ा जाती हूँ, तो यहाँ पे आप YouTube पे सिर्फ और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन आप अध्ययन अड्डा एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड करेंगे तो वहाँ हम लाइव इंटरेक्ट करके आपस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस का बता दूं, मैंने जो प्रीवियस लेक्चर बनाया था उसमें हमने पढ़े थे मेजर अप्रोचेस इन एजुकेशन सेक्टर, क्या क्या अप्रोचेस थे वो हमने पढ़े थे, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें जो आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखे हैं एजुकेशन एंड टीचिंग में और उनके प्रोपोनेंट्स दे रखे हैं कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है, वो यहाँ पर दिया गया है। आपको एक टेबल यहाँ पर है जिसमें आपको बताया गया है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और किसने वो दिया है। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आएंगे कि एक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया होगा और उसके प्रोपोनेंट का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहीं पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, जैसे कि यहाँ पर है बेसिक एजुकेशन, ये सबको पता होगा। बेसिक एजुकेशन किसने दिया है? महात्मा गांधी ने दिया है। किसने दिया है? ये महात्मा गांधी ने दिया है। और इनका बेसिक एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है? वर्धा एजुकेशन सिस्टम। क्या है? वर्धा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लर्निंग मस्ट टेक प्लेस इन नेचर फ्रॉम एंड फ्रॉम नेचर। लर्निंग नेचर से मिलती है, नेचर में मिलती है, ये किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके प्रोपोनेंट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इंटीग्रल एजुकेशन देने वाले कौन है? श्री औरोबिंदो। नेक्स्ट यहाँ पर फोकस ऑन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ये किसने दिया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म ह्यूमन माइंड, ये दिया है जे कृष्णमूर्ति ने। सेल्फ एजुकेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये मारिया मोंटेसरी ने दिया है। नेक्स्ट आपका किंडरगार्टन फोकस ऑन सेल्फ एक्टिविटी क्रिएटिवनेस एंड सोशल कोऑपरेशन, ये किसने कहा है आपको? किंडरगार्टन का नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? फ्रोबेल। नेक्स्ट यहाँ पर नो फॉर्मल लर्निंग, नेचर इज द ओनली टीचर, ये किसने कहा है? ये रूसो ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देख लिए आप लोगों ने कि क्या क्या एजुकेशन और टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं जो किस किस ने दिए हैं, वो यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आता है तो आप उसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं एजुकेशन की। तो 3 टाइप्स की फॉर्म है, फर्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन, सेकंड है इनफॉर्मल एजुकेशन और थर्ड है आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें अगर फॉर्मल की, तो फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन कहलाती है जैसे कि आप स्कूल्स में या कॉलेजेस में जाकर लेते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल में या कॉलेज में जाके पढ़ते हैं तो वो क्या होती है? फॉर्मल एजुकेशन होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है? एक प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आप उसको सीखते हैं। ठीक है, एक प्री प्लान्ड होता है कि आपका क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम फॉलो किया जाएगा, और ये हर स्कूल का या हर कॉलेज का अपना डिसाइडेड प्री प्लान्ड करिकुलम होता है। ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको वहां पर पढ़ाया जाता है, तो फॉर्मल एजुकेशन यही कहलाती है आपकी। नेक्स्ट है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में होता है इनडायरेक्ट जब आप एजुकेशन ले रहे होते हैं, जैसे कि आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, जैसे कि आजकल का टाइम चल रहा है कि आप डे टू डे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग चीजें आप रोजाना अपने घर में अपने आसपास में देखकर चीजों को क्या है आप सीखते रहते हैं, तो वो क्या कहलाती है? इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर नॉन फॉर्मल, नॉन फॉर्मल की बात करें तो इसको हमें ये कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है और ओपन सिस्टम से आप इसे जैसे पढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या डिस्टेंट एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है आपकी? नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है ये? नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की। तो यहाँ पे क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन की वो यहाँ पर देखते हैं। तो पहले हम देख लें कि ये किसने दिया है, ये हैविग्रस्ट और न्यू गार्डन इन दोनों ने दिए हैं इस के एम्स। और क्या है वो, पहला है यहाँ पर अ मिरर दैट रिफ्लेक्ट सोसाइटी एज इट इज और टू बी द स्टेबलाइजर ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने कहा है कि एक क्या एम होना चाहिए जो हमारे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर सके, यानी कि अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर सके, दिखा सके, एक मिरर होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और वो मिरर क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन की अगर आपको एजुकेटेड हो आप लोग तो क्या होगा, आप अपनी सोसाइटी को बेहतर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं संस्कृति, आप बता सकते हैं कि आपकी संस्कृति क्या है, आपके जो आचार विचार है वो क्या है, वो किसके थ्रू आते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही आते हैं। इन्होंने यही कहा है कि जो अपनी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर सके और स्टेबलाइजर कर सके, यानी कि स्टेबलाइज मैनेज कर सके, उसकी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको फॉलो कर सके, उन्हें आगे क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज और अ फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज ऑफ सोसाइटी। क्या है, एक एजेंट है, एक तरीके से एजेंट के तौर पे काम करे कि जिससे क्या हो, सोशल सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस लेके आ सके। अगर कोई नॉर्म है या कोई रूल है जो खराब है, जिससे कुछ लोगों का मतलब कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं है, कुछ लोगों के लिए वो बुरा है या फिर सभी के लिए बुरा है, तो उसको चेंज कर सके, ना कि उसको आगे फॉरवर्ड करे, क्या कर सके, उसको चेंज कर सके, उसको खत्म कर सके और आगे फॉरवर्ड ना करे। जैसे कि हमारे उसमें सती प्रथा का चलन था पहले, तो सती प्रथा में क्या होता था, सबके लिए वो क्या था, बहुत ही खराब सी एक प्रथा थी और सबको वो बहुत ही दुखदायी होती थी। तो क्या है, वो आगे चल के जब लोग जागरूक हुए उससे, तो लोगों ने उसको बंद कराया, ना कि उसको आगे बढ़ाया। तो ये क्या करता है, एजुकेशन, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो क्या करेंगे, अपनी सोसाइटी में अच्छे अच्छे कामों के लिए, जो अच्छे अच्छे काम कर सके उसके लिए क्या लाएंगे आप, चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर जॉर्ज पैन ने जो दिए हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, एसिमिलेशन ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशंस का एसिमिलेट कर पाए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सोशल पैटर्न्स, नए सोशल पैटर्न्स को डेवलप कर पाए, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हो, कि मतलब बहुत अपने आइडियाज को क्रिएट करें, अपने खुद करके सीखें। ठीक है, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हो, ये किसने कहा है यहाँ पर, जॉर्ज पेन ने दिए हैं। ठीक है, ये एक सोशलिस्ट है जिन्होंने ये फंक्शंस दिए हैं एजुकेशन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, दो चीजें हमने यहाँ पर देखनी है, एक होता है एनकल्चुरेशन और एक होता है एकल्चुरेशन। ठीक है, क्या होता है, एकल्चुरेशन और एनकल्चुरेशन, ये दोनों ही जो इनके जो मतलब ये दोनों ही जो डेफिनेशन या दोनों के बारे में जिसने बताया है वो कौन है, उनका नाम यहाँ पर लिख लीजिए, एमिली डर्किन। एमिली डर्किन ने इसके बारे में बताया है, इन्होंने कहा है, इन्होंने एस्टेब्लिश करा है आइडियाज को, ट्रांसमिशन ऑफ सोसाइटी नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, उसके ट्रांसमिशन पे इन्होंने जोर दिया है। इन्होंने यही कहा है कि सोसाइटी के मेजर फंक्शन क्या है, कि जो सोसाइटी की वैल्यूज है, जो नॉर्म्स है, उसको आगे ट्रांसफर करना, आगे वाली आने वाली जनरेशन में उसका ट्रांसमिशन करना। तो यहाँ पर दो फॉर्म्स निकल कर आती है, एक एनकल्चुरेशन होता है और एक एकल्चुरेशन होता है। एनकल्चुरेशन क्या होता है, एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन एंड एनरिचमेंट, एक्सेप्टेंस एंड रिफॉर्मेशन, reformulation, change and reconstruction, the process by the young generation learns the traditional ways of societies called enculturation. यानी कि जो भी मतलब education किस लिए required होती है, क्या function होता है उसका, कि जो culture का जो भी आपकी cultural activities हैं या जो भी आपका culture है उसको transmit करना, आगे आने वाली generation में उसको transfer करना। ठीक है, ये process क्या होता है,
ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। एजुकेशन इसी काम के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप एजुकेटेड हैं, जो आपके क्या है, आपके बिहेवियर में चेंज आएगा और आप क्या करेंगे, बहुत सारे नए नए आइडियाज सोचेंगे कि आप अपनी सोसाइटी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने जो कल्चर है, जो भी अपनी कल्चरल एक्टिविटीज है, उनको कैसे आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को आप उसको कैसे समझाएंगे कि ये एक अच्छी ट्रेडिशन है, इसको आगे फॉलो करो, ठीक है। ये सब प्रोसेस होते हैं, द प्रोसेस बाय द यंग जनरेशन लर्न द ट्रेडिशनल वेज ऑफ सोसाइटी। वो प्रोसेस जिसमें यंग जनरेशन सीखती, मतलब क्यों सीखती है कि ट्रेडिशनल वेज को हम आगे लर्न, मतलब सोसाइटी में आगे पहुंचाएं या नहीं पहुंचाएं, इसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, एनकल्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। और ये अपनी सोसाइटी का, सभी सोसाइटी का क्या है, अलग अलग होता है, ठीक है। सभी सोसाइटी का क्या है, ये अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक सोसाइटी में अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर एकल्चुरेशन की, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, एक या तो एक पर्सन या फिर उनका ग्रुप होगा जो एक कल्चर को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा, उसके बारे में सीखेगा और जो उसकी वैल्यूज हैं उसको सीखेगा और आगे फॉरवर्ड करेगा, जबकि अपना और अपना जो कल्चर उसको ऑलरेडी है, जो उसका अपना कल्चर है उसको भी वो क्या करेगा, रिटेन करके रखेगा, उसको भी वो संभाल के रखेगा। लेकिन जैसे होता है ना, एसिमिलेट कर जाना, कि आप अगर किसी और कल्चर में जा रहे हैं तो आप वहाँ की जो प्रथाएं हैं, जो भी रूल्स हैं, आप वो सीख रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्लोबली फैलता जा रहा है और बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गया है कि अपने कल्चर को बचाते हुए आप दूसरे कल्चर में अडॉप्ट कर जाना, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एकल्चुरेशन कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एजुकेशनल एम्स। क्या फैक्टर होते हैं जो एजुकेशनल एम्स को डिटरमाइन करते हैं। पहला है यहाँ पर फिलॉसफी। फिलॉसफी की अगर बात करें तो फिलॉसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या है ये, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिलॉसफी एक मेन फैक्टर है और ये डिटरमाइन करता है किसको, एजुकेशन के एम को, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम करता है, जो फैक्टर है, वो क्या है, फिलॉसफी है। आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या करता है, फिलॉसफी से लिंक करता है, क्लोजली लिंक करता है ये फिलॉसफी से, ठीक है। क्या करता है, ये क्लोजली लिंक करता है। नेक्स्ट है सोशल कल्चर। सोशल कल्चर फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स। सोशल कल्चर फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स की बात करें तो एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन में जब हम एजुकेटेड होते हैं, अभी हम सीख कर आए हैं कि सोसाइटी में क्या करना होता है, कि एक जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर है, उनको हमें आगे फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या ये होना चाहिए, इसका कि हम ये सारी चीजें आगे कर सके, उसको प्रिजर्व रख सके, अपना जो कल्चर है, अपना जो अपनी जो सोसाइटी के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उनको प्रिजर्व रख सके, उनको सुरक्षित रख सके और आगे आने वाली जनरेशन को भी हम वो चीजें, वो सारी चीजें सिखा सके जो हम सीखते आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस फैक्टर्स का जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एंशियंट इंडिया में जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म जो सबसे ज्यादा फैलने वाला क्या था, रिलीजन था, ठीक है। सबसे ज्यादा फैलने वाला रिलीजन यही था और इसी के रिलीजियस में, इसी में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं। बुद्धिज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें आपको कई सारी चीजें सीखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर जो क्या करता है, अहिंसा और किसको, अहिंसा और सच के बारे में बात करता है। इसमें दो फैक्टर्स, इसमें दो चीजें आती हैं जिसमें अहिंसा और ट्रुथ, ठीक है, नॉन वायलेंस कह लीजिए इसको, अहिंसा मैंने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बढ़ाने के लिए भी आपको क्या है, एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी कि आप क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं, अपनी सोसाइटी को कैसे, अपनी कंट्री को, अपने जो स्टेट है अपने, उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में आते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज। एक्सप्लोरेशन ऑफ नॉलेज का मतलब है कि आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कब कर सकेंगे, जब आप बेहतर एजुकेटेड होंगे, ठीक है। आप अपनी नॉलेज को काफी एक्सप्लोर कर पाएंगे,
ठीक है, एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी मॉडिफिकेशन आपका बिहेवियर में आएगा जिसमें आप जब नॉलेज का एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है, जब भी आप नॉलेज को बढ़ाएंगे, जैसे होता है ना, एक कहावत सुनी है कि जितना विद्या को बांटोगे वो उतना ही बढ़ेगी, तो वही इसका मतलब है कि एक्सप्लोरेशन आप नॉलेज का उतना जितना करोगे उतना बढ़ेगा। नेक्स्ट है वोकेशनल। वोकेशनल की बात करें तो एजुकेशन का एम ये इसलिए होता है क्योंकि वोकेशनल में जब भी आप एजुकेटेड होंगे तभी आप क्या कर पाएंगे, अपनी जो जीवनचर्या है, अपनी जो दैनिक जीवनचर्या है या अपनी पूरी जीवनचर्या है उसको चला पाएंगे। यानी कि इसमें अगर मैं बात करूं तो एजुकेटेड होने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, बेहतर लाइफ को जी पाएंगे, इकोनॉमिक तरीके से भी और सोशल तरीके से भी। ठीक है, अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी और आप सोसाइटी के जो फैक्टर्स हैं उन पे भी आप क्या करेंगे, बिल्कुल खरे उतरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड टोटल डेवलपमेंट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है एजुकेशन का, ठीक है, जिसमें आप अपने आप एजुकेशन के द्वारा अपने आप की पहचान कर सकते हैं, अपनी अपनी एक पहचान बना सकते हैं, अपना एक अस्तित्व बना सकते हैं, और टोटल डेवलपमेंट यानी कि अपना सोशल, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट आप इसके द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनियस डेवलपमेंट। तो हार्मोनियस डेवलपमेंट का मतलब है कि जब भी हम एक मतलब कोई भी अगर हम एजुकेटेड अगर किसी भी एजुकेशन में हम हैं या हम एजुकेटेड हैं तो क्या करेंगे कि बहुत सारी बेस्ट से बेस्ट चीजें सीखने की कोशिश करते हैं और हम अपनी पुरानी जितनी भी बेकार चीजें होती हैं या जो भी गलत चीजें, नेगेटिव चीजें होती है उससे बाहर निकल के हम क्या करते हैं, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे तरीके से एक अच्छा माइंड होगा, अच्छी बॉडी होगी, अच्छा एक लर्नर होगा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चीजों से दूर होके क्या करेगा, पॉजिटिव वे में सीखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन से क्या होगा, आपका मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट दोनों ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में आता है कि अगर आप सोसाइटी के मेंबर हैं तो आपको ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका ख्याल आपको रखना होता है, जैसे कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं सोसाइटी की तरफ, क्या फंक्शंस हैं और क्या उसके ऑब्लिगेशंस हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर लेजर। अब इस एजुकेशन फॉर लेजर का मतलब होता है, लेजर का मतलब होता है कि अब खालीपन में आप क्या सीख रहे हैं। ठीक है, जब आप खाली हैं तो आप क्या सीख रहे हैं, अपने उसको कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे उस टाइम को यूज कर रहे हैं। तो लेजर एक ऐसा टाइम है जहां आप एंजॉयमेंट के साथ, रिक्रिएशन के साथ सीख सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं क्या एजुकेशनल एम्स को डिटरमाइन करने वाले। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स ऑफ टीचिंग। तो कंसेप्ट पढ़ते हैं टीचिंग का, क्या कंसेप्ट होना चाहिए। टीचिंग कैन बी डिफाइंड इनटू द फॉलोइंग वेज। टीचिंग इज अ पर्पसफुल डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। भाई सबसे बड़ी बात है कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, पर्पसफुल डायरेक्शन में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, क्या होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए और उसी के थ्रू हम उसी के डायरेक्शन में हमें पढ़ाना चाहिए। एंड मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस रिलेटिवली परमानेंट चेंज थ्रू एंगेजमेंट इन एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द टीचर। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो अपॉर्चुनिटीज देता है लर्नर्स को या स्टूडेंट्स को कि वो क्या कर सके, अपने बिहेवियर में परमानेंट चेंज लेकर आ सके, जिसके थ्रू क्या आप उनको एक्टिविटीज में एंगेज करें या वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नया कुछ सीख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, वो अपने अंदर चेंजेस लेकर आ पाएंगे। और ये काम किसका होता है, टीचर का होता है कि वो टीचर क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज इस तरह की प्रोवाइड कराता है बच्चों को। नेक्स्ट है टीचिंग इज अ स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद एन ऑब्जेक्टिव टू सेटअप एन एनवायरमेंट टू फैसिलिटेट लर्निंग। टीचिंग एक स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, यानी कि टीचिंग क्या है कि अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, अपने एक्सपीरियंस को कैसे अप्लाई करना है और जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है लर्निंग में या टीचिंग में। ठीक है, टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, अप्लाई करना सिखाता है नॉलेज को, एक्सपीरियंस को और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या रूल्स को।
ठीक है, क्या करता है कि जब भी हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम अपने आसपास में क्या करते हैं, एक पहले एजुकेशन के लर्निंग के तरीके से हम क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट सेट करते हैं, एक एनवायरनमेंट सेट करेंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चे को एक दिमाग में एक आइडिया लग जाता है कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और क्यूरियोसिटी जाती है कि आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे। तो एक टीचर का यही काम होता है कि वो क्या करे, अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके अपने आसपास में, अपनी क्लासरूम में या जहाँ भी आप पढ़ा रहे हैं वहां पर एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करें जिससे कि बच्चे को सीखने में आसानी हो। नेक्स्ट है, टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी एंड इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। टीचिंग कैसी एक्टिविटी होती है, एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है कि आप पहले से प्री प्लान्ड होकर जाते हैं। इफेक्टिव टीचिंग किस पर डिपेंड करती है वो देख लीजिए यहाँ पर। फर्स्ट है यहाँ पे, हाउ क्लियरली द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। ये कैसे समझे कि बच्चा क्या समझना चाहता है, ये कैसे क्लियर करे कि बच्चे का क्या लर्निंग का एक्सपेक्टेशन है, कि बच्चा क्या सीखना चाहता है और कैसे सीखना चाहता है, क्या समझना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ एक्यूरेटली देयर लर्निंग कैन बी मेजर्ड, और उनकी लर्निंग को कैसे हम मेजर करें, कैसे नापें, कैसे मापें कि बच्चे ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, ये एक्यूरेटली कैसे मापें। ये होते हैं टीचिंग के दो फैक्टर्स। ठीक है, टीचिंग के दो इफेक्टिव फैक्टर्स होते हैं ये। नेक्स्ट है, टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच द लर्नर, टीचर एंड अदर वेरिएबल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सिस्टमैटिक वे टू अटेन सम प्री डिटरमाइंड गोल्स। टीचिंग कैसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, लर्नर होता है, टीचर होता है और कुछ अदर वेरिएबल्स जैसे कि करिकुलम हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक मैनर में होते हैं। कैसे होते हैं ये, सिस्टमैटिक मैनर या सिस्टमैटिक वे में होते हैं, जो कुछ डिटरमाइन, जो भी आपने गोल डिसाइड किए हैं या कुछ प्री डिटरमाइन गोल्स आपके ऑलरेडी सेट हैं उनको अचीव करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, टीचिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्फ्लुएंसेस अ चाइल्ड टू लर्न एंड एक्वायर डिजायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स एंड ऑल्सो देयर डिजायर्ड वेज ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे को इन्फ्लुएंस करती है कि वो नई चीजों को सीखे, अपनी जो भी नॉलेज है, अपनी डिजायर्ड नॉलेज है उसको एक्वायर करे और कुछ नई स्किल्स को सीखे जिससे कि वो क्या कर सके, सोसाइटी में एक बेहतर तरीके से या डिफरेंट अपनी इच्छा अनुसार रह सके। ठीक है, कैसे रह सके, अगर आपको सोसाइटी में अपनी इच्छा अनुसार रहना है तो आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जैसे कि आपको सोसाइटी में रहने का तरीका सिखाया जाता है, आपको रूल्स बताए जाते हैं कि आप ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, सोसाइटी से बाहर निकाल दिए जाओगे या सोसाइटी को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बेसिक टीचिंग मॉडल। अब बेसिक टीचिंग मॉडल में यहाँ पर कोई बेसिक टीचिंग मॉडल दिया नहीं गया है, कोई भी बेसिक टीचिंग मॉडल नहीं है जिस पर कि क्या हो सके, मतलब कोई भी एक अच्छा बेसिक टीचिंग मॉडल नहीं है जिस पर कि पूरी टीचिंग आधारित हो। तो यहाँ पे दो टीचिंग मॉडल की बात की गई है, पहला है यहाँ पर पेडागोजी, ठीक है, और दूसरा एंड्रागोजी के बारे में बात की गई है। अगर मैं पेडागोजी की बात करूँ तो ये क्या है, एक कन्वेंशनल अप्रोच है। ठीक है, क्या है, एक कन्वेंशनल अप्रोच है और इसको आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है, आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है, क्योंकि पेडागोजी में आप सीखते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चे की बहुत सारी स्थितियों के बारे में सीखते हैं कि बच्चा इस एज में कैसा होता है, उस एज में कैसा होता है, डिफरेंट डिफरेंट एजेस में आप उसका इवेल्युएशन या आकलन करते हैं कि बच्चा इस एज में किस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो करता है, वो सब आप किस में सीखते हैं, पेडागोजी में सीखते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, आर्ट और साइंस कहा गया है, किसका, टीचिंग का। नेक्स्ट है, टीचर अज्यूम्स प्राइमरी रोल्स। टीचर इसमें कैसा रोल निभाता है, प्राइमरी रोल निभाता है। फ्रेडरिक हर्बर्ट इन हिज वर्क यूनिवर्सल पेडागोजी 1906 एडवोकेटेड 5 फॉर्मल स्टेप्स इन टीचिंग। इन्होंने, फ्रेडरिक हर्बर्ट ने अपनी जो अपना वर्क है यूनिवर्सल पेडागोजी, उसमें 5 स्टेप्स दिए हैं, 5 फॉर्मल स्टेप्स दिए हैं टीचिंग के। और ये कब, कौन से ईयर का वर्क है इनका, 1906 का। 5 फॉर्मल स्टेप्स क्या है, पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है एसोसिएशन, चौथा है जनरलाइजेशन एंड पांचवा है आपका एप्लीकेशन।
प्रिपरेशन की बात करें तो आप अगर किसी भी क्लासरूम में जाते हैं या फिर कुछ भी आप अगर सीखने जा रहे हैं सिखाने जा रहे हैं तो आप एक प्रिपेयर अपनी कोई एक अपनी उसके कोई टॉपिक अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए आप पहले क्या करते हैं, प्रिपेयर होते हैं, उसकी प्रिपरेशन आप करते हैं, उसके बाद आप क्या है अपने जो पुराने आइडियाज हैं उसमें जो एग्जिस्टिंग आइडियाज हैं उसमें नए आइडियाज को आप क्या करते हैं इन्वॉल्व करते हैं, उसके उसी तरीके से आप प्रिपेयर होकर क्लासरूम में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ाने के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन होता है कि जब आप किसी भी लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप आपका उसमें क्या तरीका है प्रेजेंट करने का, किस वे में आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या नई चीजों को आप यूज कर रहे हैं और क्या आपने नए एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई किसी मॉडल को किसी ऑब्जेक्ट को यूज करके आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर आप ऐसे ही क्लासरूम में अपनी मतलब वोकेशनल चीजों को यूज करके आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट एसोसिएशन। एसोसिएशन में होता है कि आप जो नए आइडियाज हैं और पुराने जो पुराने आइडियाज और नए आइडियाज के बीच में आप क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा आइडिया अच्छा है और कौन सा बुरा है और किसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जनरलाइजेशन की। तो जनरलाइजेशन में क्या होता है कि इसमें आप आप जब क्लासरूम में लर्निंग कराते हैं तो उसको बियॉन्ड द परसेप्शन यानी कि आप परसेप्शन से उसको बिल्कुल बियॉन्ड लेकर जाते हैं, उसको दूर लेकर जाते हैं बच्चे को कि बच्चा क्या करे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे वर्क करे। किस पे वर्क करे? एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे वर्क करे, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पे वर्क करे, यानी कि वो एक अमूर्त अमूर्त चीजों को भी सोच सके, अमूर्त चीजों को अमूर्त जो आइडियाज है उसके उस पर अमूर्त सोच पर क्या कर सके ध्यान दे सके और उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में होता है कि जब आप कोई भी नई नॉलेज एक्वायर करते हैं तो उसको एक बच्चे की लाइफ के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है वो इसमें सीखते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है कि बच्चा जो अपनी डेली लाइफ है उसमें कैसे उसको इंटीग्रेट करे, कैसे उससे सीखे। ठीक है, जो भी उसकी नई नॉलेज है वो उसको कैसे वो अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर जाए या उसका यूज करना शुरू कर दे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोगोजी की। तो एंड्रोगोजी की बात करें तो ये क्या होती है, ये लर्नर क्या होता है इसमें सेल्फ डायरेक्टेड होता है यानी कि अपनी उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लर्निंग की कि वो किस तरीके से लर्न करना चाहता है या कर रहा है। ठीक है, स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ लर्न करके ही नहीं सीखते हैं बल्कि वो क्या करते हैं डिस्कवर करके सीखते हैं यानी कि लर्निंग थ्रू डिस्कवरी होती है। लर्न जैसे आप किसी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं सिर्फ वो क्लासरूम तक ही सीमित नहीं रह जाता है, उसमें क्या होता है आप उसके आसपास के वातावरण उसके आसपास के एनवायरनमेंट से आप उसको समझा रहे हैं और बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व होके सीख रहा है। ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है उसमें खुद इन्वॉल्व होके सीख रहा है। इसी में एक सेल्फ इवेल्युएशन इसका कैरेक्टरिस्टिक आता है कि इस एंड्रोगोजी का अप्रोच है सेल्फ इवेल्युएशन, बच्चा अपने आप का इवेल्युएशन भी खुद करता है। क्या करता है बच्चा अपने इवेल्युएशन भी खुद ही करता है किसके अंडर एंड्रोगोजी के अंडर। नेक्स्ट ऑल्सो आइडेंटिफाई विद अडल्ट लर्निंग और इस एंड्रोगोजी को क्या बोला गया है अडल्ट लर्निंग बोला गया है। नेक्स्ट इसमें एक टर्म और आती है ह्यूटागोजी जिसमें सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग पर जोर दिया जाता है और इसमें जो लर्नर होते हैं वो हाईली ऑटोनोमस होते हैं। क्या होते हैं हाईली ऑटोनोमस और इसको डबल लूप लर्निंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है डबल लूप लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमने पढ़ा किस किस के बारे में, पहला है पेडागोजी, दूसरा है एंड्रागोजी और तीसरा है ह्यूटागोजी। पेडागोजी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि बच्चा इसमें क्या होता है एंगेज होता है। एक सेकेंड, बच्चा क्या होता है इसमें
या हम ये कह सकते हैं कि पेडागॉजी को दूसरे नाम से और किस नाम से बुलाया जाता है, तो इसको इंगेजमेंट के नाम से और बुलाया जाता है। एंड्रागॉजी को अगर बात करें तो इसको कल्टीवेशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कल्टीवेशन कहा जाता है। और प्यूटागॉजी की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, रियलाइजेशन। ये वर्ड्स याद रखिएगा, क्या कहा जाता है इसको, रियलाइजेशन। ठीक है, पेडागॉजी को एंगेजमेंट, एंड्रोगॉजी को कल्टीवेशन और ह्यूटागॉजी को रियलाइजेशन। अगर मैं इसको बात करूं तो यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा अगर ये समझ लें कि पेडागॉजी में तो क्या होता है, बच्चे को एंगेज करना सिखाया जाता है कि कैसे वो एक्टिविटीज में एंगेज हो सके। एंड्रोगॉजी में कल्टिवेट करना सिखाया जाता है कि जो बच्चे ने सीखा है उसको उसका सेल्फ इवेल्युएट कैसे कर सके, उसको कैसे देखे कि मैं इस चीज को कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, किस तरीके से इसको सीख सकता हूँ। ह्यूटागॉजी में रियलाइजेशन होता है कि बच्चा अपनी अपनी दृढ़ निश्चयता के साथ सीखता है, ठीक है, और इसको मतलब एक दोनों लूप के साथ में सीखता है जिसमें पेडागॉजी और एंड्रागॉजी दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम पेडागॉजी टू एंड्रागॉजी। अभी हमने देखा है यहाँ पर क्या है इसमें, ये कैसी होती है पेडागॉजी, टीचर सेंटर और फिक्स डिजाइन होता है, और लर्नर एंड्रागॉजी में ये लर्नर सेंटर होती है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है इसका। पेडागॉजी में टीचर्स डायरेक्शन एंड डिसीजन, टीचर्स की डायरेक्शन मतलब टीचर्स की जो डायरेक्शन होती है और डिसीजन किसके होते हैं, टीचर के होते हैं। एंड्रागॉजी में लर्नर का होता है। पेडागॉजी में टीचर्स गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, टीचर का होता है, ठीक है। एंड्रागॉजी में टीचर्स फैसिलिटेशन सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पे क्या होता है, टीचर्स का फैसिलिटेशन होता है, सपोर्ट होता है और एनकरेजमेंट होता है, ठीक है। मतलब ऐसा पूरा पूरा नहीं सिखाते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं उसको सीखने में मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट है पैसिव, पेडागॉजी में क्या होता है, पैसिव रिसेप्शन होता है, और यहाँ पर एंड्रागॉजी में एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। क्या होता है ये पैसिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है पेडागॉजी में के पैसिव पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि इतना पार्टिसिपेशन नहीं होता है बच्चे का उसमें, बच्चा सिर्फ क्या है जो टीचर्स को डायरेक्ट कर रहा है, जितनी जो डायरेक्शंस टीचर दे रहा है बस उसी पर काम कर रहा है, अपने आप से कुछ भी सोच नहीं पा रहा है या अपना कुछ भी अप्लाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन एंड्रोलॉजी में क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है कि बच्चा खुद भी करके सीख रहा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लर्निंग विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। पेडागॉजी में क्या होता है कि चार दीवारी के अंदर बैठ के बच्चा सीख रहा होता है, लेकिन एंड्रोलॉजी में बाहर भी बाहर के एनवायरमेंट से जुड़ के सीख रहा होता है। पेडागॉजी में नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड, नॉलेज क्या होती है, फिक्स्ड होती है, और एंड्रागॉजी में नॉलेज इवॉल्व एंड क्रिएटेड, यहाँ पर क्या होती है कि नॉलेज क्रिएट की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेडागॉजी में डिसिप्लिनरी फोकस, बहुत ज्यादा मतलब डिसिप्लिन होकर फोकस किया जाता है। और नेक्स्ट एंड्रागॉजी में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल फोकस। नेक्स्ट है यहाँ पर लीनियर एक्सपोजर और मल्टीपल एंड डाइवर्जेंट एक्सपोजर। नेक्स्ट एंड लास्ट है यहाँ असेसमेंट इज शॉर्ट, और यहाँ पर कैसे होते हैं, असेसमेंट इज मल्टीफेरियस एंड कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट असेसमेंट दिए जाते हैं और यहाँ पर कई सारे असेसमेंट दिए जाते हैं, और कंटिन्यूसली आपको हर एक चीज के लिए असेसमेंट कराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ टीचिंग की, तो क्या नेचर होता है टीचिंग का वो देखते हैं यहाँ पर। देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, कई तरह के लेवल्स हैं टीचिंग के, वो आगे पढ़ेंगे आगे वीडियो में। नेक्स्ट है टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, टीचिंग कहाँ की जाती है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में की जाती है, ठीक है। टीचिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। टीचिंग किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से और ट्रेनिंग से। टीचिंग इज एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, टीचिंग कैसी है, एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। नेक्स्ट है टीचिंग टेंड्स टू वर्ड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, टीचिंग किसकी तरफ लेकर जाती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लेकर जाती है। टीचिंग क्या है, एक सोशल सर्विस है। टीचिंग इंक्लूड्स लेंथी पीरियड्स ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, टीचिंग में क्या होते हैं, लेंथी पीरियड्स होते हैं स्टडी के और ट्रेनिंग के। टीचिंग हैज अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, टीचिंग में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होता है। टीचिंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, टीचिंग एक कंटीन्यूअस एक निरंतर प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ प्रोफेशन, ये क्या है, एक प्रोफेशन है। तो यहाँ पर हमने टीचिंग के नेचर भी जान लिए कि क्या क्या मतलब टीचिंग में क्या क्या चीजें होती है।
ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं फाइव पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके फाइव पिलर्स है, पहला है बायोलॉजिकल, दूसरा है कॉग्निटिव, तीसरा है डेवलपमेंटल, और चौथा है यहाँ पर सोशल एंड पर्सनैलिटी, और लास्ट है फिफ्थ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो इसके अंदर जो भी नॉर्म्स है वो देख लीजिए। बायोलॉजिकल में बायोसाइकोलॉजी आती है, न्यूरोसाइंस जिसे हम कह देते हैं, सेंसेशन होता है ये और कॉन्शियसनेस होता है। कॉग्निटिव में परसेप्शन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, इन सब पे वर्क करता है कॉग्निटिव में। डेवलपमेंटल क्या होती है, लर्निंग, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। सोशल एंड पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी, इमोशन, मोटिवेशन, ये सब इसके अंडर आते हैं। और नेक्स्ट है मेंटल, फिजिकल है, तो इसके अंदर क्या है, एबनॉर्मल थेरेपीज आती हैं, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और हेल्थ आता है। तो ये आपके साइकोलॉजी के, ये साइकोलॉजी के क्या है, पांच पिलर है जिसपे साइकोलॉजी वर्क करती है। ये सारी चीजें आपको साइकोलॉजी के अंदर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की, और इसके इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। यही सारे लेवल्स हम पढ़ेंगे, वन बाय वन लेवल पढ़ते जाएंगे कि इस एक एक लेवल को हम तरीके से पढ़ेंगे कि इस लेवल में क्या होता है, तो इसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपको अगर लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कॉल करके हमसे अपनी क्वेरीज को कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है, आप अपने आप उसमें कुछ भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वॉइस को लेके प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज को लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेझिझक होके कमेंट कर सकते हैं या फिर आप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना भी मैंने आपको इसमें समझाया है आप उसको एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें बेहतर आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।